पहले डिस्कशन करवा आज आप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोलाइसीस। आम इलेक्ट्रोलाइसीस कौन जाचे? इलेक्ट्रोलाइसीस मैंने आम जानते गोटे इलेक्ट्रोलाइट कंटेनर थी से कौन आई थी गोटे एनोड थी गोटे कैथोड थी जे कि बैटेरी पजिट एंड सहित कनेक्ट होता कह एनोड जे नेगेटिव एंड सहित कनेक्ट होता कह कैथोड गोटे इलेक्ट्रोलाइट सल्यूसन जो बैटेरी चार्ज हो एनोड बैटेरी कनेक्टेड होते एनोड्र चार्ज हो पजिटिव कैथोड्र चार्ज हो नेगेटिव एति कथा आम देखी एनोड पाखे हुए ऑक्सीडेशन कैथोड पाखे हुए रिडक्शन। पहले यार आप्लिकेसन कौन नॉर्मली यार तीन टा इम्पोर्टेंट आप्लिकेसन अच्छी गोटे हूँ इलेक्ट्रो प्लाटिंग गोटे अच्छे इलेक्ट्रो टाइपिंग थर्ड वन इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तीन टा हूँ तार भेरी मच इम्पोर्टेंट आप्लिकेसन। सो नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रो प्लाटिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रो प्लाटिंग? इलेक्ट्रो प्लाटिंग है कौन? द प्रोसेस अफ कोटिंग अफ सुपरियर मेटाल ऑन द सरफेस ऑफ इनफेरियर मेटल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ताने कौन पिले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस रे गोटे सुपरियर मेटल रो कोटिंग रहइबो गोटे इनफेरियर मेटल उपरे। एटा काहे कि करा जाए? नॉर्मली ए तीनटा कॉज पे करा जाए। कौन पे? गोटे होची प्रोटेक्शन पे करा जाए, सेकंड करा जाए रिपेयर पे करा जाए, थर्ड करा जाए डेकोरेशन। प्रोटेक्शन कौन पिले? सपोज मु देखिली मोर गोटे वैल्युएबल इंस्ट्रूमेंट अच्छी जोटा कि आयरन ले तैयारी से कौन है रस्ट लग जाऊँ मुझे गोटे कौन देदेवी कोटेड देदेवी जो थे कि कौन हम सी आउ कौन हम नष्ट ना प्रोटेक्शन हो गला। रिपेयर कौन पिले? सपोज मोर गोटे स्पून अच्छी सिल्वर रिल्भर स्पून टा कौन है मोर भांगी जार सिल्वर स्पून कौन है खाई जाए ओके ताको मुझे रिपेयर करी आउ कौन है परियो पिले डेकोरेशन है परियो ओके। सो एटा हूँ कौन पिले आमर इलेक्ट्रो प्लाटिंग। सो इलेक्ट्रो प्लाटिंग को आम एक्सप्लेनेशन करवा इलेक्ट्रो प्लाटिंग रे कौन हुए। सपोज पिले मुझे छोटा एग्जांपल दौर मोर देख ये पिले करा एनोड एटा है कैथोड ये गोटे मुझे स्पून रखी ये स्पून टा को मुझे चाहूँ कौन करी सिल्वर कोटेड करने चाहूँ ओके। तो सिल्वर कोटेड करी कौन करी ना कैथोड रे मुझे कौन करी स्पून टा को जॉइंट करदेवी ओके जोटा को मुझे सिल्वर करने को चाहूँ सिल्वर कोटेड देवाई चाहूँ आयरन स्पून अच्छी मुझे सिल्वर कोटेड करने को चाहूँ। सो आयरन स्पून टा को मुझे कौन करी कैथोड भावे ने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस रे कौन कोटेड करी ना सिल्वर कोटेड करी सिल्वर टा को मुझे कौन पिले एनोड स्पून है कौन पिले कैथोड सिल्वर है कौन पिले एनोड सॉरी सिल्वर है एनोड आउ स्पून है कैथोड जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम मुझे करेन्ट देदेली ये कौन हम ऑक्सीडेशन हम पिले ऑक्सीडेशन है कौन हम सिल्वर प्लेट आस्ते आस्ते कौन कर डिजल्व हम ऑक्सीडाइज हम एजी कौटिक पिले कन्वर्ट हम ना एजी प्लस को कन्वर्ट हम ओके आउ एजी प्लस यहाँ हम एनोड रे पिले यहाँ हम एनोड रे कैथोड रे कौन हम एजी प्लस गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन हम एजी हम ये है रिडक्शन ये ऑक्सीडेशन ये जो एजी हम एजीटा का उपरे डिपोजिट कर स्पून उपरे डिपोजिट कर स्पून टा थिला कौतिर आयरन रो स्पून थिला डिपोजिट है ता उपरे कौन सिल्वर डिपोजिट है आयरन स्पून कौटी कन्वर्ट होगा सिल्वर स्पून को ताहले दिस प्रोसेस इज नोन आज कौन इलेक्ट्रो प्लाटिंग। क्वेश्चन पढ़ू ड्यूरींग द इलेक्ट्रो प्लाटिंग प्रोसेस और ड्यूरींग इलेक्ट्रोलाइसिस और ड्यूरींग इलेक्ट्रो प्लाटिंग ऑफ ए आयरन स्पून विथ कोटेड विथ सिल्वर कोटेड सिल्वर कोटेड हुई इज एक्ट एज एनोड हुई इज एक्ट एज कैथोड स्पून इज एक्ट एज कैथोड सिल्वर रॉड इज एक्ट एज एनोड बुझीला ना बुझीलानी पिले इलेक्ट्रो प्लाटिंग कौन देख पिले। सेकेंड आप्लिकेसन दैट इज इलेक्ट्रो टाइपिंग। इलेक्ट्रो टाइपिंग पिले कौन? दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ फाइन आर्ट्स लाइक वुड कार्विंग्स। खोदई कहते जो पिले से खोदई हो कमी देख पिले सपोज मु चाहली कौन पिले गोटे लकेट बनईबी एच्र
मो ना एच रे मुझे लॉकेट बनवाक चाहूँगी एच लिखी सेटा कौथे हम कॉपर रे हम भलसे पिला बुझुता कौथे हम कॉपर रे हम क्लियर मु कौन कली ना कॉपर को नहीं गली एनोड कॉपर को नहीं गली कौन एनोड आ जो लॉकेटा मुझे जमी करने को चाहूँगी एच रॉकेटा जो स्टाइल करने को चाहूँगी से स्टाइल मुझे कौन कली ना वाक्स रे वाक्स मीन महमरे महमरे मुझे स्टाइल मोर डिजाइनटा तैयारी कली आईटा को लेकिन रखीदेली कौटी क्याथोड पाखे कौटा फ्रेमटा एच रेमटा हो गला कौन क्याथोड बैटरी सहित कनेक्शन करदे बैटरी सहित कनेक्शन करदे कौन हम ना एनोड पाखे कौन हम पिले ऑक्सीडाइज हम सो एनोड पाखे किए अच्छी कॉपर अच्छी कॉपर ऑक्सीडाइज होगा कौन कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो गला क्याथोड पाखे जाइए कौन हम पिले से कॉपरटा डिपोजिट हम सो कॉपर प्लस टू टू इलेक्ट्रॉन नहीं कि कॉपर भी डिपोजिट है कॉपर जो डिपोजिट हम क्या डिपोजिट हम वैक्स डिपोजिट है मोर जो भाई फ्रेम दरकार से भाई फ्रेम जिते से क्वांटीटर कॉपर जिते बड़े एच रो फ्रेम उपरे बसीगला मुझे से कौन कली इलेक्ट्रोलाइसिस बंद करदेली तापर कौन हम ना बंद करदेला प्रोसेस वैक्स जो महम जो हो महमटा कौन हो मेल्ट हो महम जो मेल्ट हो मत मिल जाव कौन पिले एच आचटा से कौन थी महमरे नाटा थी कौन कॉपर रे थी दिस प्रोसेस इज नोन आज इलेक्ट्रो टाइपिंग दिस प्रोसेस इज नोन आज इलेक्ट्रो टाइपिंग बुझीगला तेल इलेक्ट्रो टाइपिंग रे कौन हुए पिले वैक्स बा फ्रेमटा को निजाए कौन क्याथोड जो मेटाल तुम कौन करयारी करने को चाहू तुम फ्रेम सॉरी तुम जो मटेरियल जो तैयारी करने को चाहू से निजी कौन थे एनोड बोली निजी बुझीगला ना बुझीगलानी पे इलेक्ट्रो टाइपिंग पे थर्ड आप्लिकेसन दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ह्वाट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पे यहाँ डिटेल तुम पढ़व तुम जो आइसोलेसन अच्छी से डिटेल अच्छी पढ़व खाली जाणी था जिते गोटे मेटाल एक्सट्राक्शन हुए मटी तले ओर्रु एक्सट्राक्शन हुए शेष में जो पाई से सम इम्प्यूरीटीज थाए दिस इज नॉट द प्योर मेटल से कौन थाए कि इम्प्यूरीटी थाए तो से ही मेटालटारु आम प्योर मेटाल केमी एक्सट्राक्ट करवा दिस इज नोन आज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग केमी हम तुम्हें कौन कर बिले इम्प्योर मेटाल सपोज मु कॉपर एक्सट्राक्शन करुच्ची बिले ये कौन अच्छी कॉपर अच्छी ये एनोडा नहीं कॉपर अच्छी आटा मुझे लिखिदे इम्प्योर मेटाल ओके इम्प्योर मेटाल लिखुची एथेरे कौन अच्छी कॉपर अच्छी प्लस कौन अच्छी इम्प्यूरीटी अच्छी इम्प्यूरीटी मिसिकी अच्छी यहाँ को मुझे गली प्योर कॉपर कौन नहीं गली प्योर कॉपर नहीं गली ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं गली सपोज कॉपर सल्फेट क्लियर मुझे कौन कली ना बैटरी सहित कनेक्शन करदेवी तेल एनोड पाखे कौन हम बिले ऑक्सीडेशन हम एनोड पाखे ऑक्सीडेशन हम से कौन हम कॉपर ऑक्सीडाइज हम कॉपर कन्वर्ट हम कौटी की कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन को एनोड पाखे हेटी तो इम्प्यूरीटी किसी हम ना इम्प्यूरीटी से रिमेनिंग कन्स्टांट इम्प्यूरीटर किसी कौन चेंजेस हम ना ओनली कौन हम कॉपर ऑक्सीडाइज हम एनोड पाखे कॉपर ऑक्सीडाइज है कि कैथोड पाखे कौन हम से कॉपर प्लस टू जा रिड्यूस रिड्यूस कॉपर फॉर्मेशन हम दिस इज द प्योर कॉपर एटी आगुरु थिला प्योर तापर जो डिपोजिट हला एटी थिला जो कॉपर कौन थिला इम्प्यूरिटी सहित मिसिकी थिला जेतरे ऑक्सीडाइज होगा प्योर कॉपर कन्वर्ट होगा कॉपर आयन को सेठी जाएंगे डिपोजिट होगा से कन्वर्शन होगा कौन प्योर कॉपर बुझीगला ना बुझीगलानी दिस प्रोसेस इज नोन आज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्वेश्चन बेले बेले पड़े इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस व्हिच इज एक्ट एज एनोड व्हिच इज एक्ट एज कैथोड प्योर मेटाल इज एक्ट एज कैथोड एंड इम्प्योर मेटाल इज एक्ट एज एनोड इम्प्योर हला एनोड प्योर हला कैथोड बुझीगला ना बुझीगलानी दीज आर द थ्री आप्लिकेसनस अफ इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो प्लाटिंग सेकेंड वन इज इलेक्ट्रो टाइपिंग थर्ड वन इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ओके।